हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं आपका अपना ललित दीवान। आज हम जा रहे हैं हिमाचल घूमने, ठंडी वादियों में। मैं और मेरा दोस्त फारूकी दिखाएंगे हम आपको वहाँ के, कहाँ जा रहे हैं ठंडी वादियों में और कहाँ पे घूम के आएंगे, तो वो सारा वीडियो आपको दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहना एंड तक, देखना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हम आपको अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर वीडियो दिखाते रहें। चलो फिर चलते हैं।
ढावा। बड़ू साहब इधर से जा रहा रास्ता ही बड़ू साहब के लिए बड़ू साहब मैं तो हम तो इधर भुवनेश्वर जा रहे यहाँ से हम जा रहे हैं कितना भाई हमने ले ली कोल्ड ड्रिंक और अब लगे हैं कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खाने। हमारे फारूकी जी डाल रहे हैं गिलासों में। हमारे फारूकी जी ने खत्म करने पूरे हैं जी खत्म ही करके चलोगे चिप्स? हाँ खत्म करके चलेंगे खाके। और ये डल गई कोल्ड ड्रिंक हमारी और यहाँ कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हम इसको चिप्स को पैकेट को यहाँ नहीं गिरेंगे अपनी डिग्गी में डाल लेंगे ताकि यहाँ गंदगी ना पड़े। हमने चिप्स खा लिए अब और ये रहा लिफाफा हमारा और हम इसको उठा लेंगे और अपने स्कूटर में रखेंगे। स्कूटर में कप और एक गिरेंगे वहाँ पे जहाँ इसकी सही जगह है। तो आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है हमारी कि हिमाचल में आने में गंदगी ना डालें। ये डाल लिया हमने अपनी डिग्गी में इसको हम सही जगह करेंगे डिस्पोज। जा रहे हैं बाबा के दरबार ऑफ रोडिंग करते हुए। दो रास्ते नीचे वो जाएगा भुवनेश्वर महादेव जी के दरबार
तो चलो चलते हैं भुरेश्वर महादेव जी के दर्शन करने। जय भोलेनाथ। ठंडी ठंडी कूल कूल वादियाँ, बाबा के दरबार में जाते हुए मस्त मस्त हो। पहुंचने वाले अपनी मंजिल पे बाबा भुवनेश्वर महादेव जी के दरबार, और वहां का सुंदर नजारा आपको दिखाएंगे और करवाएंगे दर्शन बाबा भुवनेश्वर महादेव जी के। और भी चढ़ रहे हैं हम चढ़ाई और है ऑफ रोडिंग, ठंडक पूरी है यहाँ पर, गर्मी का तो नामो निशान नहीं भोलेनाथ के दरबार में। यह भोलेनाथ क्या सुंदर है, मैं आपको पीछे का नज़ारा भी देखेगा आप। और हम चढ़ रहे हैं चढ़ाई, यह भोलेनाथ। एक बार आप भी आइए यहाँ माथा टेकने, जो नहीं है जो आ चुके हैं उन्हें तो यहाँ का पता ही है कि क्या नज़ारा है यहाँ भोलेनाथ का। जय भोलेनाथ। वैसे तो मंदिर तक रोड जाता है, पर सड़क बनने की वजह से हमें अपना स्कूटर नीचे ही लगाना पड़ा, तो हम जा रहे हैं पैदल मंदिर दर्शन करने। जय भोलेनाथ। जैसा कि हम अब पहुंच चुके हैं भुवनेश्वर महादेव के दरबार में, और दर्शन हमने कर लिए हैं, और आपको दिखाते हैं बाहर का व्यू कितना सुंदर है। देखिए बाहर का अति सुंदर दृश्य भोलेनाथ के दरबार का। यहाँ कैसे लगता है जैसे हम जन्नत के नज़ारे ले रहे हों, कितनी हाइट पर हैं हम। देखिए कितना सुंदर दृश्य है, तो आप भी आइए यहाँ पर और कीजिए दर्शन भुवनेश्वर महादेव जी के। जय भोलेनाथ।
ये है शीला। नमस्कार, आप देख रहे हैं ललित समाचार और मैं ललित धीमान। आज आए हम दर्शन करने भुवनेश्वर महादेव जी के नाहन में। तो हम सर से पूछते हैं यहाँ का इतिहास मंदिर के बारे में। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। हाँ, मैं यहाँ का लोकल व्यक्ति हूँ। वैसे प्रोफेशनली तो मैं लॉयर हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हूँ। फिर मेरा गांव यहाँ नज़दीक में है, मोहना गांव। तो ये शिव मंदिर है और बहुत पौराणिक मंदिर है। इसकी कथा वैसे तो लंबी चौड़ी है, पर ये बताते हैं कि यहाँ से जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो शिव पार्वती ने यहाँ से महाभारत का युद्ध देखा था। तो यहाँ लिखा हुआ भी है और जिन्होंने भी लिखा हुआ कहीं ना कहीं से ये प्राप्त किया होगा जी। और यहाँ जितना भी बड़ा क्षेत्र है, जितना आपको दिखता है, सारे लोगों की बहुत आस्था है। उनका कुल देवता है शिव के प्रति, उनकी बहुत ज़्यादा आस्था है। और यहाँ का जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो दिवाली की एकादशी के दिन यहाँ जो देव है, जो मनुष्य के रूप में देवता होता है, तो यहाँ का जो पताला जिसको बोलते हैं वो पचेली गांव से आते हैं, वहीं से उनमें जो देव की शक्ति आती है और पैदल आते हैं वो। उनके हाथ में, एक हाथ में चंवर मुठा बोलते हैं उसको, चंवर बोलते हैं वेदों में जिसको कहा गया है, और दूसरे हाथ में उनके दूध का लोटा होता है। तो नंगे पैर से आते हैं और जब यहाँ आते हैं वो, तो यहाँ से वो कई बार तो दौड़ लगा के इस जो पूरी ढांग है उस ढांग को क्रॉस करके वो जो टेढ़ा पत्थर है तो उसको देवते का पत्थर बोलते हैं, उस पर वो जाते हैं और वहाँ दूध चढ़ाते हैं। और फिर सारे लोग जितने भी यहाँ आते हैं, मेला होता है तो आपको दर्शन करते हैं, तो बड़े दूर दूर से लोग बड़े उत्सुक होकर देखते हैं। और एकादशी की रात के दिन जब चांद छुप जाता है तो फिर उसके बाद वो रात को भी देवता यहाँ ऊपर से छलांग लगाते हैं उस पत्थर पर, और उस पत्थर पर दूध और घी चढ़ा हुआ होता है। तो और बहुत ज़्यादा आस्था होती है, पर पूरे क्षेत्र में कहीं भी अगर आग जली हुई हो उस वक्त तो देवता उसको श्राप डालता है। तो इसलिए सारे लोग कोई भी आग नहीं जलाते। अब तो खैर चलो सोलर लाइट सिस्टम हो गया, अब तो चारों तरफ लाइट ही लाइट होती है, पर ये बहुत पुरानी बात है। और उसके नीचे यहाँ एक महेंदोबाग गाँव आता है। तो पहले ऐसा कहा करते थे कि यहाँ जब एक पैसा, एक रुपया डालते थे तो महेंदोबाग के शिव मंदिर में पहुँचता था। आज भी दिवाली की एकादशी के दिन जब देवता यहाँ आता है तो वो यहाँ से आवाज़ लगाता है देवता, कि हमारी लोकल डायलेक्ट में बोलता है कि महेंदोबाग के लोगों को महेंदुओं बोलते हैं। तो देवता आवाज़ लगाता कि सिंजीबे महेंदुओं मेरी जोड़ो। इसका मतलब यह है कि महेंदोबाग के लोग मेरी जड़ जो है ना उसको सींचे, तो वहाँ फिर लोग दूध चढ़ाते हैं। तो अभी भी ये पौराणिक कंसेप्ट है। और इस शिव मंदिर का जो मूल स्थान जड़ है वो महेंदोबाग के शिव मंदिर में, वहाँ भी आप लोगों को भ्रमण करना चाहिए। और जितना भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो आप यहाँ तो आए तो इंटरेस्टिंग प्लेस है ही है, पर महेंदोबाग में भी मत्था टेको तो हो सकता है कि शिव उससे ज्यादा तो अभी हम भी दर्शन करके जाएंगे। हाँ, अगर आप जाएं तो वहाँ से नैना टिकर से रास्ता आता है, नैना टिकर से 10 किलोमीटर है, और आप वहाँ जाएं दर्शन करें और अपने YouTube और जो भी आपका समाचार उसमें प्रचार और प्रसार करें शिव की भक्ति। वैसे भी मैं आजकल शिव पुराण पढ़ रहा हूँ और वैसे भी थोड़ा सनातन के बारे में इसी परिप्रेक्ष्य में बात करता हूँ कि शिव सबसे पहले देव है। जितना भी जो अवतारीकरण हुआ है शिव उससे भी पहले के हैं। तो जितने भी शिव स्थल हैं, जितने द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, तो उनका भ्रमण तो है ही है, पर जो लोकल स्थानीय जो मंदिर हैं और जो पूजनीय स्थल हैं, आस्था के केंद्र हैं, उसमें हम अगर वहाँ दर्शन करें तो उस आस्था का फर्क हमारे मन पर, बुद्धि पर, आत्मा पर जरूर पड़ता है। तो कमिंग जनरेशन को चाहिए, जो भारतवर्ष के लोग हैं और जो यंगस्टर हैं, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, उनको चाहिए कि ये सनातन को मत भूलें, इसकी रिसर्च करें, वेदों में जाएं, पुराणों में जाएं और जो मॉडर्न सिस्टम चल रहा है उसमें जाकर इसकी खोज करें। आज भी भारतवर्ष विश्व गुरु बनता है, उसके लिए हमें कई सदी भी लग सकती हैं, क्योंकि हम बहुत पीछे रह चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल में। हम आज की डेट में बहुत पीछे हैं, पर अगर हमारे आने वाली जनरेशन इस बात को सोचे, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं खुद कर रहा हूँ, अब जैसे कोरोना पीरियड था, हालांकि चलो ये मेरी बात चलो इससे जुड़ी हुई है, कोरोना पीरियड में 2 साल का हमारे कोर्ट में भी काम बंद हो गया, तो मैंने फिर चारों वेद पढ़े, फिर मैं पुराण पढ़ रहा हूँ, छानबीन कर रहे हैं कि सनातन है कहाँ। तो कुछ न कुछ प्राप्त जरूर होता, व्यर्थता भी उसमें जरूर हो सकती है। व्यास जी ने बहुत लिखा है, उसमें बहुत व्यर्थ भी हो सकता है, पर हमें व्यर्थ बातों से क्या, हमें तो काम की बात लेनी है।
तो मेरा आपके माध्यम के, आपके चैनल से, आपके यूट्यूब से सब लोगों को विशेष करके कमिंग जनरेशन के लिए संदेश है कि सनातन की खोज करें, और जितना हम विश्वास प्रकट करेंगे हमारी भावना मजबूत होगी, हमारा मस्तिष्क मजबूत होगा और हम अमेरिका, यूरोप का, चाइना का अच्छी तरह से मुकाबला कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम जोगिंदर सिंह अत्री है, मोहाना गांव का रहने वाला हूं और मैं यहीं प्रैक्टिस करता था, पहले सराहा में, राजगढ़ में, नाहन में, फिर मैं दिल्ली हाई कोर्ट चला गया, मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं, वहां सुप्रीम कोर्ट ने मुझे डेजिग्नेट किया है 2008 में, मैं डेजिग्नेटेड सीनियर लॉयर हूं और हिमाचल के कोई भी गवर्नमेंट होती है, बीजेपी हो या कांग्रेस, वहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। वहाँ फिर लोग जो अभी भी ये परंपरा अभी दूध चला दूध वहाँ चला वहाँ चला तो ये भी मंदिर है, ये भी मंदिर, एक ये महात्मा जी रहते थे यहाँ भी, यहाँ मंदिर और आश्रम भी, हाँ यहाँ भी लोग आते हैं, जो वो इस गांव के पिछली तरफ जो अगली बार महादेव मंदिर के मेन पुजारी से, तो आइए पूछते हैं उनका परिचय। हरिओम, मैं पंडित नरेंद्र शर्मा, कर्मकांडी ब्राह्मण, इस भूसिंह महादेव का यह स्थान समुन्दर की ठीक ऊपर 6500 फीट ऊंचाई में स्थापित है। यह सिद्ध स्थान माना जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था
तो प्रभु शंकर और माँ पार्वती यहाँ पर विराजमान थे। तो माँ पार्वती ने प्रभु शंकर को कहा कि प्रभु आप यहाँ पर विराजो और यहाँ से महाभारत युद्ध देखो। तो प्रभु शंकर ने यहाँ से वह महाभारत युद्ध देखा था, तब से यह शिवलिंग यहाँ पर स्थापित की गई गई और सभी के द्वारा यह पूजी गई। इस तरह यह मंदिर सिद्ध स्थान माना गया है। हरिओम दोस्तों, अब हम ले रहे हैं एक चट्टान के ऊपर खड़े हुए वीडियो शूट और फोटो। देखिए हमारे पीछे का व्यू कितना सुंदर है, हिमाचल देवभूमि। हिमाचल में घूमने आप आते हो तो बाबा भुरेश्वर महादेव जी के दर्शन करने जरूर आएं। और देखें यहाँ का सुंदर व्यू, जब आप यहाँ आओगे तो आपको एक अलग ही शांति का एहसास होगा। बोलो जय भोलेनाथ।